डायरेक्टर अभिनव देव के डायरेक्शन में बनी फिल्म फोर्स टू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा मेन रोल में हैं। फिल्म के रिलीज होते ही सबसे पहले बात आती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। आमतौर में फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन ही डिसाइड करता है कि फिल्म फ्लॉप हुई कि हिट। लेकिन फिलहाल नोटबंदी के कारण आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। जी हाँ, हाल ही में मुंबई में फिल्म फोर्स टू के प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन अब्राहम, सोनाक्षी सिन्हा, डायरेक्टर अभिनव देव और फिल्म के विलन ताहिर बसिन भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले फिल्म फोर्स टू के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने 500 और 1000 के नोट बंद होने पर अपनी राय रखी। थोड़ा बहुत नुकसान शायद हो भी सकता है, लेकिन हमने ये सोचा कि 10 दिनों के बाद 8 तारीख को ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 10 दिनों में लोगों ने काफ़ी झेला है और इंडिया की एक तासीर है कि हम किसी भी दुख को बहुत दिनों तक साथ में लेके नहीं चलते, हम आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं और जो जितना स्ट्रेस लोगों ने भुगता है तो एक एंटरटेनमेंट की, एक रिलीफ की उन्हें ज़रूरत है और हम उसी पर्पस से इस फिल्म को ला रहे हैं। बता दें कि नोट बैन से जॉन को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वो मोदी के इस फैसले को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। I stand by this move and I think it's fantastic. और definitely काफी inconvenience हो रहा है, लेकिन I think in the larger good, it's a very good move. मैं definitely ये demonetization के move को support करता हूँ। मुझे इसका effect सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि मेरा एक football team भी है और मुझे पता है कि stadium के अंदर जो हर game में हमें 75-80 लाख का जो collection होता है, आज मुझे पता चला सिर्फ 1,50,000 का collection हुआ है। So I know the effect and the hit of this. लेकिन मेरे हिसाब से like I said, ये एक ना एक दिन करना ही था। Unfortunately for us it happened before our release. लेकिन Force 2 in the meanwhile हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही important फिल्म बन चुकी है। नोट बैन से हटकर जब एक रिपोर्टर ने जॉन से पूछा कि आपने फोर्स 1 में बाइक उठाई, फोर्स 2 में कार और अब आप फोर्स 3 में क्या उठाने वाले हैं, तो सुनिए जॉन ने किस मजाकिया अंदाज से जवाब दिया। वेल, जाते जाते इस कॉन्फ्रेंस में जॉन और सोनाक्षी ने लोगों को सोशल फेयर ऐप के बारे में भी बताया, जिससे वो ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। पेटीएम और बुक माई शो और pvrcinemas.com और सिनेपोलिस ने भी अभी काफ़ी ऑफर्स दिए एंड आई थिंक वी मस्ट पिक अप दीज ऑफर्स। हमारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली पिक दीज ऑफर्स अप। कैशबैक ऑफर्स है, 50% ऑफ है, 150 रुपीज़ मैक्सिमम कैशबैक ऑफ है ऑन 2 टिकट्स। ये ऑफर्स लीजिए एंड कम एंड वॉच दिस फिल्म एंड एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।